Hello, good evening, all of you. Hope all of you are preparing with full zeal and energy. Pre is just approaching and we are now 9 days left, even less than 9 days, you can say. And in this our series of last 10 days lecture, today I am discussing a very important issue which will remove your lot of dilemmas also, because what will be pre-2020 be like? दिस क्वेश्चन इज हॉन्टिंग ऑल ऑफ अस राइट कि कैसा होगा प्री 2020 का, ये मुश्किल होगा, आसान होगा, है ना, और हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या फोकस रहना चाहिए लास्ट 10 डेज में, है ना। तो ये चीज़ें सी इट कम्स टू अवर माइंड वेल वी आर सिटिंग एंड प्रिपेयरिंग, है ना। तो इसको हम रैशनली इसको समझते हैं बेसिकली, है ना। देखो, इफ़ यू सी द ट्रेंड ऑफ द पेपर्स कंडक्टेड इन लास्ट 1 मंथ बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो CET है, चाहे वो अपना नीट है, एक्स्ट्रा ऑल दोज पेपर्स, इट हैज़ बीन जनरली सीन दैट ऑल पेपर्स हैव बीन कंपेरेटिवली ईजी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, राइट ना। एंड वेन वी प्रिपेयर फॉर UPSC, ऑल ऑफ अस प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट पेपर, इज़न्ट इट। इज देर एनी कैंडिडेट हु इज प्रिपेयरिंग UPSC प्री थिंकिंग इट टू बी अ ईजी पेपर? नाउ दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेंज, आपको अजीब लग रहा होगा, सर क्या बोल रहे हैं, बट क्या दोनों में डिफरेंस है कोई, कि प्रिपेयरिंग प्री एज अ ईजी पेपर एंड प्रिपेयरिंग प्री एज अ डिफिकल्ट पेपर? तो वो डायनेमिक्स हमने देख रहे हैं, हम सब तैयारी डिफिकल्ट पेपर के लिए तो कर ही रहे हैं लास्ट 1 साल से। क्या लास्ट 10 दिनों के अंदर थोड़ा सा हम अपना ओरिएंटेशन इस तरह से भी रखें कि क्या अगर पेपर आसान आ गया तो वेदर आई एम एट एडवांटेज और डिसएडवांटेज, है ना। तो इट मे बी अ वेरी स्ट्रेंज लेक्चर फॉर यू कि ये क्या हो रहा है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर अगर इजी आता है तो अपने आप को कैसे आपने प्रिपेयर करना है, मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है, इज़न्ट इट राइट। सो अगर इसके पॉसिबल आप पहले ये देखिए कि सबसे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अगर पेपर इजी आ गया तो क्या होगा, है ना। इजी आ गया पेपर, इफ़ द पेपर इज इजी, तो ये समझो आप कि अगर पेपर इजी आ गया तो होना क्या है, कट ऑफ विल इंक्रीज। देखा जाए तो क्या होगा, कट ऑफ जो है आपकी वो ऊपर जाएगी, कट ऑफ ऊपर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेटिवली ऑल आर प्लेस्ड सेम। कोई ये कह सकता है, कह रहे इसमें क्या बात है सर, जहां कट ऑफ 100 जाती है, 102 जाती है, 103 जाती है, वहां कट ऑफ 115 चली जाएगी, 120 चली जाएगी, नथिंग डूइंग, नो प्रॉब्लम, माई प्रिपरेशन विल रिमेन द सेम, तो मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है एंड आई शुड गो फॉरवर्ड विद माई प्रिपरेशन। Is it right? अब थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट perspective से देखते हैं, लेट एस ट्राई टू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट perspective, कि अगर पेपर ईजी आता है तो जो सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस प्रिलिम की, तो उन पर डिफरेंट तरह के बच्चों पर क्या डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो, सबसे पहले तो ये हैं वो बच्चे जिन्होंने अपना पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, जो आप पहले टर्म दे रहे हैं, डेफिनेटली उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज कंपैरेटिवली कम होती है पीपल हु आर गिविंग अटेम्प्ट फॉर द सेकंड टाइम और थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, राइट। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं बच्चे, अगर पेपर आसान आता है दे विल बिकम अ बिग चैलेंज, इजंट इट, दे विल बी एट एडवांटेज बिकॉज उन्होंने सारे अभी ईजी क्वेश्चन जो हैं, ईजी आस्पेक्ट ऑफ स्टडी मटीरियल है, वो अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ा है, तो उनको बेनिफिट हो सकता है, राइट। तो नंबर टू, सेकंड टाइप ऑफ कैंडिडेट कौन से हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम्स दिया है लेकिन उनका अभी तक प्री क्लियर नहीं हुआ, राइट। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि पेपर और मुश्किल आएगा और मुश्किल आएगा, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर मोर एंड मोर टफ पेपर, है ना। तो उन सेकेंड तरह के बच्चों को थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज करने की क्या जरूरत है, कि भाई नहीं, अपने माइंड में रखना कि पेपर आसान भी आ सकता है। तो जो फैक्ट्स आप सोचते हो कि यार नहीं पूछे जा सकते पेपर में, ठीक है, ये क्या पूछेंगे, उनको भी एक बार नज़र से निकाल देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं अभी डिस्कस करूँगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है थिंकिंग दैट पेपर UPSC में अगर आसान आ जाता है तो, राइट। तो डेफिनेटली ये होता है साइकोलॉजिकली कि दो बार मेरा प्री नहीं हुआ तो मुझे और अच्छे से एग्जर्ट करना, मुझे और अच्छे से तैयारी करनी है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, जबकि पेपर आ गया आसान। अब जो डिफिकल्ट तैयार किए थे, बहुत डेप्थ में तैयार किए थे, पता लगा वो आए नहीं,
और आसान आ गए, आसान हम भूल गए, हमने रिवाइज नहीं किए, ठीक है ना। अब थर्ड टाइप के बच्चे कौन है, जो ऑलरेडी पहले प्री क्लियर कर चुके हैं दो बार, एक बार, तीन बार, अब उनके सामने चैलेंज क्या आएगा, सी दे नो द इंट्रिकेसिस ऑफ प्री, वो प्री की इंट्रिकेसी जानते हैं, उसको क्लियर करना जानते हैं, सो दे आर हैविंग अ प्री सेट मेथडोलॉजी इन देयर माइंड, टेकिंग इन टू अकाउंट दी यूपीएससी पेपर, उनके दिमाग में प्री सेट मेथडोलॉजी बनी हुई है। अब अगर पेपर आसान आता है तो वो सारी मेथडोलॉजी चेंज, डायनामिक्स चेंज। सो द लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कॉम्प्लेसेंसी का, प्री सेट मेथडोलॉजिकल स्ट्रेटजी का। तो दे हैव टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजी कि इन लास्ट 8-9 दिनों में मुझे थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को रीस्ट्रेटजाइज करना है, कोई हार्म नहीं है, थोड़ा टाइम हमें इस तरह से भी तैयारी पे लगाना है कि हमारा इजी सेक्शन भी तैयार हों, हम इतने कॉम्प्लेसेंट ना हो जाएं कि हम एक जैसे हमारा चला आ रहा है तैयारी का पैटर्न उसी से हम तैयार कर रहे हैं और पता लगा बहुत चीज़ें इग्नोर कर दी और वही पेपर में आ गई और पेपर में क्वेश्चन कर नहीं पाए या कम्पीट नहीं कर पाए उन बच्चों से जिनका इजी है, पार्ट स्ट्रांग है, राइट। सो बेसिकली ये लेक्चर क्या कर रहा है, ये लेक्चर एक अजम्पशन ले रहा है कि अगर यूपीएससी का पेपर इजी आता है, जरूरी नहीं है कि आएगा, बट अगर पेपर इजी आता है, आर यू प्रिपेयर्ड, आर यू प्रिपेयर्ड, सो देर इज नो हार्म टेकिंग टू अकाउंट दिस पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी को ध्यान रख में रखने में कोई नुकसान नहीं है, है ना। तो अब आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस थिंग कि अगर हम इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटीज टेकिंग टू अकाउंट करने में कोई नुकसान नहीं है। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड सिटिंग, जब मैं देख रहा था डिफरेंट पेपर जो अभी हो रहे हैं, ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं या सब पेपर हुए, तो कंपैरेटिवली पेपर्स वर इजी एवरी, सो देयर इज नो, दैट मींस गवर्नमेंट इज क्लियर इन माय इन देयर हेड कि कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, है ना, और वो बच्चे कुछ पैनिक में भी रहे हैं, कुछ बच्चे वल्नरेबल रहे हैं, इनसिक्योर रहे हैं, या देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी एजुकेशन इन देयर हाउसेज, दे आर स्टेइंग इन विलेजेस। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए पेपर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट कर रही है कि ठीक है, किसी को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ना हो और कोई बहुत बड़ी डिससेटिस्फेक्शन अराइज ना हो। सो एंड इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, इट्स अ वेलकम स्टेप ऑल्सो, इट इज़ अ बिग रिलीफ फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो कि ठीक है पेपर आता था, अब सिलेक्शन होगी नहीं होगी, क्या रिजल्ट आएगा, वो बात की बातें हैं। कंपिटिटिव में एग्जाम में तो हमें पता ही है कि अगर कट ऑफ बेसिकली कट ऑफ ही बढ़ती है और क्या होता है, चाहे पेपर आसान आ जाए, अगर मुश्किल आ जाए कट ऑफ डाउन चली जाती है, और इजी आ जाए कट ऑफ ऊपर हो जाती है, बट प्रिपरेशन में डिफरेंस जरूर आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हाउ टू ओरिएंट योर प्रिपरेशन कि अगर पेपर आसान आ जाता है तो, राइट। नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई विल प्रिस्क्राइब इज, आपको ध्यान समझना है कि आपको अपनी जो एनसीईआरटीज हैं जो आपने पढ़ी हैं किसी एक टाइम पे, उनको एक बार रिवाइज जरूर करना है, एनसीईआरटी रिवाइज। बहुत टाइम नहीं लगाना है, आप अगर अगले 7 दिनों में डेढ़ दो घंटे भी लगा दोगे तो रिवाइज हो जाती हैं, पन्ने ही पलटने आपको आता ही होता है सारा, बस ऐसा होता है कि वंस यू जस्ट स्कैन थ्रू द पेजेस कि हाँ आता है आता है आता है, तो यू योर आईज योर ब्रेन कम अक्रॉस सर्टन बेसिक फैक्ट्स ऑल्सो, तो वही चीज़ याद रह जाती है, कई बार वही पेपर में काम आ जाती है। तो पन्ने पलटने एक दिन में 3-4 NCERTs आप कवर कर सकते हो, 2-3 घंटे में, 2 घंटे भी लगा दिए 3 NCERTs निकल गई, क्योंकि पढ़ी तो हुई है, उसे बहुत एडवांस भी पढ़ा हुआ है, तो लेकिन एक बार एनसीईआरटी सारी रिवाइज करने में कुछ नहीं जाता। दिस इज माय फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सेकंड थिंग इज आप अपना जो आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, है ना, अब आप अगर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, चाहे 1 साल से कर रहे हैं, तो कुछ अगर आपने कहीं कोचिंग ली है या सेल्फ स्टडी भी करी है, तो कोचिंग ली है तो उसके रजिस्टर्स होंगे कुछ, भाई क्लास रजिस्टर्स होंगे जो कहीं ना कहीं कोने में कहीं पढ़े रहते हैं कई बार, और हम अपने नोट्स अलग से बना लेते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है फिर भी आप कोई वेबसाइट्स या बुक्स को देख के, कोई स्टडी नोट्स को देख के अपने नोट्स तो बनाते ही हो रजिस्टर ना, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज योर नोट्स, रिवाइज योर नोट्स, चाहे आप कहो जी ये तो मेरे बहुत इनिशियल नोट्स थे, इनको मैं क्यों पढूं, अब इससे एडवांस तो मैंने बना रखे हैं,
दैट इज द डैमेज समटाइम अकर्स वेन वी थिंक दैट पेपर मुश्किल आएगा, क्योंकि फर्स्ट आप इनिशियली जब क्लास लगाते हैं तो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है बिल्कुल जीरो समझ के पढ़ा रहा है कि जीरो से आगे आगे आपको लेके जाया जा रहा है ना। तो बेसिकली इसी तरह से आप चलते हो, है ना। तो जो हम कई बार वो रजिस्टर्स वो स्टडी मटेरियल इग्नोर कर देते हैं जो आपने शुरू में बनाया था, आपको लगता है यार ये तो बहुत आसान है, इसको छोड़ देते हैं। अब मैंने ये एडवांस इसमें करा था, ये वाला तैयारी कर, देखो एडवांस तो अपना रिवाइज करना ही है, वो तो रिसेंटली बनाया है आपने। अगर आपके दो साल के पहले या डेढ़ साल के पहले के रजिस्टर पढ़े हैं, हिस्ट्री के पढ़े हैं, ज्योग्राफी के पढ़े हैं, इकोनॉमी के पढ़े हैं, उनको दो चार घंटे लगाने में हर्ज क्या है। अपना एक हाईलाइटर लो, एक पेन लो, कलर्ड पेन लो, अपना अंडरलाइन करते जाओ, एक बार अपना जैसे एनसीईआरटी इसको स्कैन कर रहे हो वैसे उनको भी स्कैन कर डालो, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, है ना। लेकिन हाँ, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मेरी ओवरऑल 100 डिग्री 360 डिग्री प्रिपरेशन है। इंटरेस्टिंग, वर यू प्लानिंग टू इग्नोर दोज रजिस्टर्स और वर यू प्लानिंग टू नॉट टू रिवाइज एनसीईआरटी, जस्ट थिंक इनसाइड, दे आर नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंट करेंगे कि ठीक है मेरा एक बेसिक प्रिपरेशन भी है। नाउ थर्ड थिंग इज वट आई एम कॉम्प्रिहेंडिंग इन अ वे कि लास्ट 6 से 8 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आप घर में थे तो ये भी सोच सकते हैं यूपीएससी की भी घर में थे तो करंट अफेयर अखबार इनको पढ़ना चाहिए था, सब कुछ ट्रैक रखना चाहिए था चीज़ों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लास्ट 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं जिसमें बहुत सारी ऑर्डिनेंसेस, लेजिस्लेशंस, देन प्रोग्राम्स, देन पॉलिसीज आई, आप जानते हैं, और कई टेक्नोलॉजीज आई, हेल्थ चैलेंजेस आए कोविड के दौरान, है ना, कई नए इंस्टीट्यूशंस गवर्नेंस सिस्टम्स इमर्ज हुए, है ना। तो आप ये देखो कि जो ये 6 महीने का पीरियड है आपने तैयार किया होगा डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा उसको एक रिवाइज करने का मेरा सजेशन है आपको कि लास्ट 6 महीने के जो करंट अफेयर थे लॉकडाउन पीरियड के उनको अच्छे से कर लिया जाए। जैसे मेरे को लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे तो कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का, है ना। मुझे लगता है जो फार्मर्स के लेजिस्लेशन है तीनों, इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इस पर नहीं आएंगे तो APMC पे आ जाएंगे, मार्केटिंग पे आ जाएंगे, है ना। ऐसे जो फाइनेंशियल सेक्टर में चेंजेस आए हैं उनमें आ जाएगा क्वेश्चन एक आधा ज़रूर। तो ये तो बड़ा एमिनेंट से लग रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन तो आएंगे पेपर में, ठीक है ना। और जनरली हम पता क्या सोचते हैं, हम भी सोचते हैं ये भाई 25 हो हमारी सिल्वर जुबली हो गई UPSC प्रिपरेशन में, तो हम भी ये सोचते हैं कि यार जो चीज़ बहुत ऑब्वियस लगती है ना UPSC कभी नहीं पूछती। जब लगता है ना कि हाँ यार इस पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, तो पक्का उस पे कुछ नहीं आता। इस हैपन्स इन प्री ऑल्सो, इट हैपन्स इन मेन्स ऑल्सो, इट हैपन्स इन इंटरव्यू ऑल्सो। आपको लगता है इंटरव्यू में यार ये बड़ा इवेंट हो गया आप तो ये पूछेंगे, उस पे लगा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे और आप मायूस। अब ये एक जनरल एक हमारा प्रीसेट माइंडसेट है कि बहुत ही जो ऑब्वियस चीज़ होती है ना उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करते, क्योंकि UPSC पक्का 100% धोखा देती है हर बार। तो बट लेकिन अब जो मैं ये डायनेमिक्स नए बता रहा हूँ कि वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि कोई प्रीसेट स्ट्रेटजी को आप माइंड में प्री कंसीव नोशन लेके ना चलें, कॉम्प्लेसेंट ना हों कि नहीं ये तो पूछेंगे ही नहीं। अब जैसे ट्रेंड चल रहे हैं उससे लग रहा है कि 6 महीने के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, दो एक दिन आप डेली का घंटा भी लगाओगे तो बड़ा अच्छा रिवाइज हो जाएगा आपका, प्री अपना सब कुछ आपको प्री सेटअप प्री फॉर्म में पड़ा है, है ना। पिछले 6 महीने के वीकली करंट अफेयर पड़े हैं आपके पास, अभी PDF पे पड़े हैं, 6 महीने के क्विज पड़ा है करंट अफेयर के, है ना, वो 1,500-2,000 क्वेश्चन पड़े हैं आपके, हमने फ्री में दिए हुए हैं आपको, है ना। तो वो बेसिकली वो आप करंट अफेयर के क्वेश्चन ही 1,500-2,000 कर लें पिछले 6 महीने के, तो आपके मोटे मोटे सारे इजी क्वेश्चन तो निकल ही जाते हैं, कोई छूटता ही नहीं है, है ना। करना क्या उसको टेस्ट की फॉर्म में नहीं देना, मैं नहीं कहता टेस्ट दो और अपने नंबर देखो, करो बस, और उसके बाद आगे उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, रिव्यू योर टेस्ट, जब आप क्लिक करते हो तो उसको अपने पढ़ पढ़ के जो नहीं आपको फैक्ट आता अपने नोटबुक पर लिखते जाओ बस, डेली का घंटा भी लगाओगे घंटे में आराम से 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं करंट अफेयर के, 1 घंटा लगाना है बस, है ना, 1-1.5 घंटे में 150-200 क्वेश्चन निपटा दो। तो ऐसा भी स्ट्रेटजी रख सकते हो आप, है ना। तो बेसिकली क्या है कि आप ये जो 6 to 8 months का करंट अफेयर आपको जरूर करना है, ठीक है जी। और अपना स्टैटिक जो है वो जो इजी स्टैटिक जिसे हम कहते हैं वो अच्छे से आपको तैयार जरूर करना है।
सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर, जस्ट इट केम टू माई माइंड कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बच्चों के साथ ये शेयर ज़रूर करनी चाहिए कि अगर सपोज बहुत लोगों ने सोच भी रखा होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे ही दिमाग में आया है, ये बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा, आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा, जस्ट एक रीअफर्मेशन है, ये एक आपकी अपनी रीअश्योरेंस है आपको कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी अपनी स्ट्रेटजी इस हिसाब से बना भी लें तो कोई नुकसान नहीं है, है ना? तो प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर विद फुल कॉन्फिडेंस, प्रिपेयर विद फुल फियर, विदाउट फियर, नॉट फुल फियर, ओके, फियर भी ज़रूरी है, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आप लास्ट 10 डेज में बिल्कुल फ्री हो जाएं फियर से, है ना, और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि येस आई हैव वर्कड हार्ड एंड आई विल परफॉर्म इन द एग्ज़ाम, बस मुझे अपना बेस्ट देना है बस, ठीक है ना, मुझे अपना बेस्ट देना है और अपना बेस्ट दे के मैंने पेपर करना है. एंड आई कैन अश्योर यू कि इन लास्ट 25 ईयर्स वी हैव सीन ट्रिमेंडस रिजल्ट्स फ्रॉम दिस एटीट्यूड. कोई इसमें सब बराबर हैं, जिसने तैयारी कर ली एक बार सब बराबर हैं, वहाँ मैटर करेगा उस एग्ज़ाम के अंदर बैठ के कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर एफर्ट्स, है ना, और यही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है और यही पॉजिटिव एटीट्यूड है. क्लियर होगी बात? तो विद दिस आई विल विश यू गुड नाइट, ठीक है, मेरे लिए गुड नाइट, आई विल बी स्लीपिंग नाउ, बट आपने तो पढ़ना है अभी, राइट, बट यू शुड ऑल्सो टेक अ गुड स्लीप. जैसे हमने कल डिस्कस किया था 6 to 7 hours की स्लीप डेली लेनी ही लेनी है. डोंट थिंक कि बहुत कम सो के आपको कोई बेनिफिट हो जाएगा एग्जाम में, 2 घंटे कम सो के, 3 घंटे कम सो के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान ही होगा. ये आप पेपर के बाद रियलाइज करोगे, लेकिन अभी मेरी बात आप मान लो, 6 to 7 hours की स्लीप आपने, साउंड स्लीप अच्छी लेनी है. सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड प्रिपेयर वेल एंड स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.